नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हमें आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये मोटिवेशन स्टोरी है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी टाइम आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होगी, आपको उसमें असफलता मिली होगी, कुछ को सफलता भी मिली होगी, कुछ ना इतना ज़्यादा एफर्ट किए होंगे, इतने ज़्यादा प्रयास किए होंगे कि वो ये कहेंगे कि मैं असफल नहीं हो सकता, फिर भी वो अपने जिंदगी में असफल हुए। उन्होंने किसी टेस्ट की तैयारी की, मगर वो उस टेस्ट में भी असफल हुए। उन्होंने अपना 150 दिया, उन्होंने 100 से ज़्यादा कोशिश की, फिर भी वो अपने जिंदगी में असफल हुए। तो इसका क्या कारण है? मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आप इस स्टोरी को पूरी तरह से देख लोगे तो आप समझ पाओगे कि असफलता का मेन कारण क्या है, कि अगर आप असफल हो रहे हैं पूरे प्रयास करने के बाद, तो उसका असली कारण क्या है आपकी जिंदगी में। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर घूमने के लिए गया। वहां पर उसका जो मित्र था वो रहता था, उसे उसके पास जाना था। मान लीजिए वो दिल्ली गया, उसका फ्रेंड जो है वो दिल्ली में रहता था। अब वो स्टेशन के ऊपर उतरा, उसका जो फ्रेंड था उसका घर वहां से 25 किलोमीटर, मान लीजिए आप 50 मान लीजिए, इतना दूर था। अब वो पैदल तो जा नहीं सकता, उसे जाना था टैक्सी में। अब उसने एक टैक्सी वाले को रोका और पूछा कि ये जगह कितने दूर है। तो उसने कहा कि वो 25 किलोमीटर है। बोला कितने पैसे लोगे? उसने कहा मैं 2,000 रुपये दूंगा। अब वो व्यक्ति, मैं 2,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो 1,000 दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो 2 ही दूंगा। काफी टाइम उनमें बहस हुई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं गांव से आया हूँ और मैं जा सकता हूँ 25 किलोमीटर भी। तो ठीक है, टैक्सी वाला चला गया, उस व्यक्ति ने भी अपना सामान उठाया और वो चल पड़ा। वो तकरीबन 1-2 घंटे चलता रहा। गर्मी का मौसम था, इसीलिए वो पसीने से नहा गया पूरा। अब वही टैक्सी वाला उसे 2 घंटे के बाद रास्ते में मिला, तो उसने अब हाथ दिया कि अब तो मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है और अब मुझे टैक्सी वाला लेके जाएगा और मैं केवल इसको आधा ही किराया दूंगा। तो उसने उसे रोका और कहा कि अब मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा और आप तुम मुझे वहां पे छोड़ दो। तो टैक्सी वाले ने कहा नहीं साहब, अब आपसे 3,000 रुपये लगेंगे। तो वो हैरान हो गया कि 3,000 रुपये वो किस लिए, मैं तो आधा रास्ता चल के आ चुका हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत की है मैंने। तो तभी उस टैक्सी वाले ने उसे कहा कि साहब आप गलत रास्ते के ऊपर आए हो, जो आपके मित्र का घर है जिस जगह पर आपको जाना था वो दूसरी तरफ है। तब वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, चुपचाप टैक्सी में बैठा और उसे उसने 3,000 रुपये दे दिए। तो यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। और इस कहानी से हमें ये मिलता है कि कभी कभी हम एफर्ट करते हैं, हम इतने ज्यादा एफर्ट करते हैं जितने लोग सोच भी नहीं सकते। एफर्ट में कोई कमी नहीं होती, मगर कमी कहाँ होती है कि एफर्ट जो है हमारे रॉन्ग साइड में जा रहे होते हैं। समटाइम आप अपने आप को भी ले सकते हैं, कभी ना कभी आप असफल भी हुए होंगे। आपने इतनी ज्यादा कोशिश की होगी जितनी किसी दूसरे ने नहीं की, दूसरे ने कम प्रयास किया फिर भी वो पहुंच गया। क्योंकि अगर हमारे एफर्ट राइट डायरेक्शन की जगह रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, जो आपने कहानी में देखा, उसे जाना था 25 किलोमीटर मगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। कितना? हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए 10-15 किलोमीटर के बीच में वो चला गया। इट मीन कि अब डिस्टेंस कितना हो गया, 25 से बढ़कर 35 तक डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स कि वो अपने गोल से दूर चला गया। तो यही इस कहानी का मेन उद्देश्य था। इस कहानी का आपको मोरल क्या मिली? आपको यहाँ से मोरल मिलेगी कि अगर आप एफर्ट कर रहे हो, अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको चाहे यूपीएससी क्लियर करना है, चाहे कोई एसएससी का टेस्ट क्लियर करना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको एक बात का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते के ऊपर चलना है। मंजिल तभी आपको मिलेगी जब आपको सही रास्ते का पता होगा।
अगर आप गलत रास्ते के ऊपर जाओगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। कुछ लोगों में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो गलत राह के ऊपर चल पड़ते हैं। किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। आपने इतनी ज़्यादा तैयारी की है, आपने सभी की सभी बुक्स पढ़ ली, जब आप एग्ज़ाम में पहुंचे तो आपने देखा कि पेपर का पैटर्न तो कुछ और है। आपकी मेहनत सारी की सारी बेकार हो जाएगी। तो यही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम सही डायरेक्शन में सही काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं आप देखेंगे तो उन्होंने एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स किए हैं। अगर आप एक डायरेक्शन में एफर्ट करोगे तो आपको लेस हार्ड वर्क में भी हाई परफॉर्मेंस मिल सकती है। मगर आप हाई परफॉर्मेंस दोगे, आप हार्ड वर्क करोगे एकदम हार्ड, यानी दबा दबा के आप काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दिन रात 24 घंटे में से आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, मगर जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के पैटर्न से अलग है, जो आपको बनना है उसके पैटर्न से अलग है, तो आपके मेहनत जो है सारी की सारी बेकार चली जाएगी, आपको कोई इसका फल नहीं मिलेगा। तो यही ये स्टोरी आपको बताती है कि आपको सबसे पहले अपना सही डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है। अब बात ये आती है कि आप सही डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आप 100 व्यक्तियों से पूछोगे, 100 आदमियों से पूछोगे कि मुझे ये काम करना है, तो सभी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको अलग अलग वेस बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये बुक्स पढ़िए, ऐसी तैयारी कीजिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इतनी देर पढ़ना चाहिए, मैं तो इतनी देर पढ़ता था तभी मेरा टेस्ट क्लियर हुआ। तो ये सब बातें डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। अब सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबका जो माइंड है वो डिफरेंट है। कुछ जो है 1 घंटे पढ़ के उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ जो है पूरा दिन पढ़ के भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है खुद को इम्प्रूव करने की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप 30 मिनट ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं तो उतनी देर ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप ऐसे फ्री में बैठे रहेंगे बुक्स खोल के ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी मन नहीं है पढ़ने का, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेरी फर्स्ट मोटिवेशन वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए स्टडी की वीडियो तो लाते ही रहते हैं, और जो मोटिवेशन की वीडियो है वो भी हम बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।